या के साथ साथ श्री रमन जी थोड़े पीछे टाइम के हेरफेर के साथ हैं, उनने भी टीका लिखी है, उनकी प्रमेय मार्गी टीका है भाव भावना की, सब वो एक अलग अप्रोच है। इन दोनों को समन्वय करके थोड़ो प्रमाण और थोड़ो प्रमेय दोनों को सिंथेसिस करके एक टीका हमारे ताजी महाराज ने लिखी, माने मेरे दादा ने, दादा नहीं पर दादा ने, वो काफी बैलेंस्ड टीका है सब दृष्टि से। और वापे फुटनोट लिखी है गट्टू लाला जी ने, जो संप्रदाय के अब हम बालक ही नहीं पढ़े हैं शास्त्र तो क्या कहने, बेचारे लाला जी काय को पढ़ेंगे, उनके कोई उनको भांग पिए के शास्त्र पढ़े लाला जी हैं। पर वो उन लाला जी में सु हैं गट्टू लाला जी कि जिनको जिनको पांडित्य अपन कह सकें कि पुरुषोत्तम जी के बाद यदि कोई वाह कैलिबर को पंडित भयो अपने यहां तो गट्टू लाला जी पे वाह कैलिबर के वो पंडित थे। मैं डायग्रेशन टॉपिक से नहीं करना चाहूं, पर मेरा मन रुके नहीं है, याली मुझको कहना पड़े कि जा वक्त दयानंद सरस्वती ने बंबई में आके चैलेंज करी कि तुम्हारा पुष्टि मार्ग सारो अशास्त्री अप्रामाणिक है, हमारे जितने गोस्वामी बालक थे सब बोरिया पिस्तर बांध के भाग गए बंबई छोड़ के, गट्टू लाला जी थे खड़े रह जाके दयाराम के साथ के, बोल क्या कहना है तुमको, जो कहना है कर, पूरा शास्त्रार्थ करने तैयार हूं। और दयानंद मुंह भर भर के गाली दे है पुष्टि मार्ग को, पर साथ में यह भी कबूल करे कि पुष्टि मार्ग में गट्टू लाला एक विद्वान है। तो वासु अपन समझ सके कि वो व्यक्ति गट्टू लाला जी क्या हते, वो गट्टू लाला जी वाह बखत बिचारे रो रहे हैं हो। दुखी बात यह कि आचार्य वाच्य पि नचेद यतते कथा का श्री पुरुषोत्तम मुखोक्ति सुधा वधाने, लोग महाप्रभु जी की वाणी को नहीं पढ़ रहे हैं तो पुरुषोत्तम जी की वाणी कहां से पढ़ेंगे। और भट्टस्य मेतु रणितम मशकोपमस्य, मैं तो भटड़ा हूं मच्छर की तरह गुनगुना रहे हूं, तो मैं कुछ गुनगुनाऊंगा तो कान के आगे से सब लोग यूं करेंगे, दुरंग छिपे श्रवण श्रवण तो नहीं वैष्णव का, वो गट्टू लाला जी हैं। जाने पुष्टि मार की यहां शान निभाई, सारी गालियां खाई, वो बेचारे खुद कबूल करें कि हर भगवती यहां को बड़े बंबई को मुकु वृद्ध वेश्या तपस्विनी कह है, धृतराष्ट्र कह है, धृतराष्ट्र मने अंधो और बूढ़ी वेश्या तपस्विनी हो, क्योंकि क्लाइंट मिले नहीं या लिए ऐसे मुकु गाली दे हैं। तो अपन समझ सके कि बेचारे इनको क्या ट्रेजिडी में से पास होना पड़े होगा, सिर्फ एक अपराध के वो पंडित थे, बाकी बोला गट्टू लाला जी को कोई अपराध नहीं है, तो उनको एक अपराध है तो उनने महाप्रभु जी के शास्त्र अपने जमाने में अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से संकलन किए, हर ग्रंथ पे उनने व्याख्या लिखने की सोची। और वो यहां कह रहे हैं कि यद्यपि जीवनलाल जी ताजी जो हैं हमारे दादा परदादा, वो संस्कृत के अच्छे लेखक हैं, पर उनने क्योंकि ब्रजभाषा में लिखने की सोची है तो या लिए मैं वहां पर थोड़ी कमेंट्री फुटनोट की तरह लिख रहे हूं वाकू और जस्टिफाई करने के लिए। तो ये पाछो कोलेबोरेशन में लिखी गई टीका है, एक बाजू हमारे जीवनलाल जी ताजी परदादा हैं और एक बाजू गट्टू लाला जी जैसे उनको फुटनोट लिख रहे है। या टीका को काफी महात्म्य अभी तक प्रचलित है, बाकी दूसरी टीकाएं ये श्री रमन जी की टीका जो होती वो शायद रमन पंथ में शायद पॉपुलर होगी, मुझको पता नहीं क्योंकि रमन पंथिन के साथ बहुत संपर्क नहीं है मेरो, पर रमन पंथिन में है कि नहीं पॉपुलर पता नहीं, पर शायद तो होनी चाहिए। पर ब्रजाभरण जी की टीका तो ऑलमोस्ट खो गई थी जो पाछी अपने को मिली है और अपन यहाँ पहली बार प्रकाशित कर रहे हैं। या के अलावा गुजराती में या में चार टीकाएं अंग्रेजी पे या पे श्यामदास ने टीका लिखी है, सो
हमारे दादाजी ने, मेरे पिता ने भी यहाँ पे एक आख्यान पर टीका लिखी है, तो अपन समझ सकें कि ये एक ग्रंथ कितनो महत्वपूर्ण रहो है और कितनो बड़ो या को रोल रहो है पुष्टि मार्ग में। तो सचमुच में ये गोपाल दास जी के मुख से गुसाई जी बोले हैं कि गुसाई जी की बात गोपाल दास जी बोले हैं। हमारी हिंदी में कविता होती पुराने जमाना में, उनको याद नहीं है कवि को नाम, पर वहां में कहें कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। ऐसे गोपाल दास जी हैं कि गुसाई जी हैं कि गुसाई जी हैं कि गोपाल दास जी हैं कि दोनों हैं कि क्या है, या मैं डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। पर जा तरीके किया कि डेफ्थ है, वह डेफ्थ को देखते भाई एक बात अपन 100% कह सकें कि जो गोपाल दास जी को जा तरीके को लोकेशन है तो रूपाल गांव के, मैं खास रूपाल गांव भी जाके आयो यही लिए, और वह रूपाल गांव आज की तारीख में भी बहुत छोटो है, बहुत छोटो है रूपाल गांव। वह जमाना में तो न जाने कितना छोटो होगा, और वह छोटे से गांव में गोपाल दास जी इतनो शास्त्र को निचोड़ कह रहे हैं, कह सके नहीं कह सके ऐसी बात नहीं, क्योंकि शंकराचार्य जी जा कालड़ी में प्रकटे वो शायद रूपाल से भी छोटो गांव है, तो और रूपाल तो फिर भी अहमदाबाद के पास है जो बरसन सु गुजरात की कैपिटल रही कर्णावती के नाम से, करण सिंह घेला ने वहां स्थापित करी थी, तो वो कर्णावती कैपिटल हती, अहमदाबाद तो फिर वो बेगड़ा ने वहां नाम बदल के रख दियो, तो काफी क्लोज है अहमदाबाद के, तो इतने क्लोज होने के कारण कुछ उनको अवेलेबल भी होएगो मटेरियल, नहीं होएगो ऐसी बात नहीं, पर शंकराचार्य को तो कालड़ी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो और कितना उनने लिखो है, तो वह बात से अपन समझ सके हैं कि पुराने जमाना में आज जैसी स्थिति नहीं होती कि गांव के लोग सब मूर्ख ही होते थे और शहर के लोग सब समझदार होते थे। कभी कभी ऐसा लगे कि शहर के लोग ज्यादा मूर्ख हैं, गांव के लोग ज्यादा समझदार हैं। पुरानी बातों को सोचें देखें तो ऐसा लगे, और मुकुया को हादसा कई वक्त फेस करना पड़े कि एक आध दो वक्त गांव के लोगों से टक्कर हो गई मुठभेड़, तो पता चले कि बाप रे बाप ज्यादा बुद्धिमान है ज्यादा समझदार है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ की एक संस्कृति होती जहां में लोग बहुत विद्वान बुद्धिशाली भी गांव में रहना पसंद करते थे। ये जो मॉडर्न ट्रेंड है शहर में आने को, ये तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन भयो है। हो सके कि गोपाल दास जी को होए, गुसाई जी की कृपा से होए, हो सके कि गुसाई जी नहीं लिखवायो होए, गोपाल दास जी को मुख होए खाली, मैं वह डिटेल में पढ़ना नहीं चाहूं। वो सारी टीकाएं जो छपने जा रही हैं उनमें से भी आपको देखने मिलेगा, और काफी गुजराती की भी टीकाएं अवेलेबल हैं, एक दो टीका नहीं बहुत टीकाएं अवेलेबल हैं गुजराती की भी, सौराष्ट्र की लिखी भाई, गुजरात की लिखी भाई, गुजरात में भी दो दो शहरन की अलग अलग लिखी भाई, गुजरात में भी दो तीन शहरन की लिखी भाई, अलग अलग टीकाएं मौजूद हैं, तो बहुत टीकाएं हैं हमें, उन सब डिटेल आपको अपने आप ही पता चल सके, और गुजराती तो आपकी मातृभाषा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जो बात कहने जा रहे हूं वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहां के इन सब टीकाकारन ने वल्लभाख्यान को अलग अलग एंगल से देखियो है, और बहुत सारे व्याख्या के सिनॉप्सिस उनने प्रपोज करी है। हमारे दादाजी क्योंकि वल्लभाख्यान के अनन्य भक्त थे, और जब भी हार्ट अटैक आते हो तो डॉक्टर को बुलाने के बजाय कहते कि वल्लभाख्यान को पाठ करो, वल्लभाख्यान को पाठ करो सीवियर हार्ट अटैक में। नेचुरली हमारे मन पर भी वल्लभाख्यान को बचपन से काफी अच्छा असर रहे हो, और करते भी रहे पाठ, प्रवचन भी मैंने एक वक्त कलकत्ता में किया तो वल्लभाख्यान पर,